आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक अमेरिकन डार्क फैंटेसी मूवी जिसका टाइटल है नाइट बुक्स। इस कहानी की शुरुआत में हम एक बच्चे को देखते हैं जिसका नाम एलेक्स था। एलेक्स का आज बर्थडे था, लेकिन अफसोस उसके बर्थडे में कोई नहीं आता। एलेक्स को डरावनी कहानियां लिखना अच्छा लगता था और इसी वजह से कोई उसका दोस्त नहीं बनना चाहता था। इस बात से परेशान एलेक्स अपनी सभी कहानियों को जलाने जाता है, लेकिन लिफ्ट में जाते समय उसकी लिफ्ट एक खाली अपार्टमेंट की तरफ रुक जाती है। एलेक्स उस अपार्टमेंट में जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन उसके पास कोई चारा भी नहीं था क्योंकि उसकी लिफ्ट खराब हो गई थी। एलेक्स देखता है कि एक रूम के अंदर कोई हॉरर मूवी देख रहा था, जहां पर उसे एक केक मिलता है। एलेक्स उसे खा लेता है और बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो एलेक्स खुद को एक कमरे के अंदर पाता है। वो कमरा पूरी तरह से मैजिकल था, इसीलिए एलेक्स वहां से भाग नहीं पाता। वहां पर एक विच यानी एक चुड़ैल आती है जिसका नाम नताशा था। वो एलेक्स को बताती है कि वो इसी तरह बच्चों को पकड़ती है और जो बच्चे उसके काम नहीं आते वो उन्हें खा जाती है। वो एलेक्स से पूछती है कि तुम में क्या खास बात है। एलेक्स काफी डरा हुआ था। वो उसे कहता है कि वो डरावनी कहानियां लिख सकता है। ये सुनकर नताशा काफी खुश हो जाती है और उसे हर रात एक नई कहानी लिखने का काम देती है, और अगर वो ऐसा नहीं कर पाएगा तो वो उसे मार डालेगी। नताशा के पास एक मैजिकल कैट भी थी जिसका नाम लेनोर था, और उसका काम था एलेक्स के ऊपर नजर रखना। वहां पर एक और लड़की थी जिसका नाम यास्मीन था। यास्मीन उसे बताती है कि ये घर इसी तरह दुनिया भर में बच्चों का शिकार करता है। यास्मीन को नताशा ने घर की साफ सफाई के लिए कैद किया था। यास्मीन एलेक्स को एक लाइब्रेरी दिखाती है। एलेक्स पहले तो बहुत एक्साइटेड होता है, लेकिन यास्मीन उसे कहती है कि नताशा ने ये सारी कहानियां सुन रखी हैं, और अगर शाम तक तुमने उसे नई कहानी नहीं सुनाई तो वो तुम्हें मार डालेगी। एलेक्स उसे कहता है कि उसने अब कहानियां लिखना छोड़ दिया है और अब वो और कहानियां नहीं लिखेगा। उस रात एलेक्स वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन नताशा उसे पकड़ लेती है। नताशा एक परफ्यूम का इस्तेमाल करती थी जिसमें उसका मैजिक कैद था। एलेक्स अपनी लिखी हुई कहानियां पढ़ना शुरू करता है, लेकिन वो कहानियां नताशा को बिल्कुल पसंद नहीं आती क्योंकि उसे ऐसी कहानियां पसंद थी जिनकी कोई हैप्पी एंडिंग ना हो। उस रात तो वो एलेक्स को एक वार्निंग देकर छोड़ देती है और उसे कहती है कि अगली बार ऐसी कहानियां लिखना जिसका अंत अच्छा ना हो। अगले दिन एलेक्स एक नई और डरावनी कहानी लिखने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कोई भी आइडिया नहीं आ रहा था। एलेक्स लाइब्रेरी की किताबों में नई कहानियां ढूंढता है, लेकिन इसी दौरान उसे एक लड़की के लिखे हुए नोट्स मिलते हैं जिसे नताशा ने एक यूनिकॉर्न का लालच देकर पकड़ लिया था। एलेक्स उसे पढ़ ही रहा था कि तभी वहां पर यास्मीन आ जाती है, और इसी तरह एलेक्स हर रात नताशा को एक नई कहानी सुनाता था, लेकिन नताशा को उसकी कहानियां बिल्कुल पसंद नहीं आती थी और वो हमेशा उसके अंदर कोई ना कोई कमी निकालती थी। साथ ही साथ वो उससे पूछती थी कि तुम अपनी कहानियों को क्यों जलाना चाहते थे, लेकिन एलेक्स कभी उसके सवालों का जवाब नहीं देता था। एलेक्स लाइब्रेरी में उस लड़की के नोट्स को दोबारा पढ़ता है और उसे पता चलता है कि उस लड़की को वहां से बाहर निकलने का रास्ता मिल गया था। एलेक्स और यास्मीन एक जादुई बगीचे में जाते हैं जहां उन्हें कुछ क्रिएचर्स के अंडों को तोड़ना था जो उस मैजिकल गार्डन को बर्बाद कर सकते थे, लेकिन गलती से एक अंडा उनके हाथ से गिर जाता है और वो खतरनाक क्रिएचर बाहर निकलकर पूरे गार्डन को खराब कर देता है। वो दोनों वहां से भागने लगते हैं, लेकिन एलेक्स देखता है कि लेनोर पेड़ों के बीच में फंस गई है। वो क्रिएचर उसे मारने वाला था, लेकिन एलेक्स लेनोर की जान बचा लेता है। नताशा यास्मीन को गार्डन खराब करने के लिए पनिश करती है, लेकिन एलेक्स उसे कहता है कि मुझे एक नई कहानी लिखने के लिए गार्डन में जाना था, इसलिए ऐसा हुआ। ये सुनकर नताशा यास्मीन को छोड़ देती है। यास्मीन एलेक्स से माफी मांगती है और वहां से चली जाती है। उस रात एलेक्स नोटिस करता है कि उसके बैग में वो गार्डन वाला क्रिएचर अभी भी है। एलेक्स किसी तरह उसे मार डालता है, लेकिन उसने एलेक्स की नोटबुक को डिस्ट्रॉय कर दिया था जिसमें उसकी सारी कहानियां थी। यास्मीन उसे बताती है कि अगर तुम नई कहानी नहीं लिख पाओगे तो नताशा तुम्हें मेरे दोस्तों की तरह एक पुतला बना देगी, लेकिन एलेक्स नोटिस करता है कि उन पुतलों में किसी के पास भी यूनिकॉर्न नेकलेस नहीं था। इसका मतलब ये था कि जिस लड़की ने बुक्स में नोट्स लिखे थे वो सक्सेसफुली यहाँ से भाग गई थी। एलेक्स उस लड़की के लिखे हुए नोट्स में क्लू ढूंढता है, जहाँ उसे पता चलता है कि उसने चुड़ैल को सबसे पहले बेहोश किया था, फिर उसकी चाबी लेकर वहां से भाग गई थी। बेहोशी की दवा बनाने का सारा सामान वहां पे लिखा हुआ था, लेकिन यास्मीन एलेक्स को बताती है कि इन सभी को मिलाने से दवा में बहुत स्मेल आती है, और उस स्मेल को रोकने के लिए एक सामान अभी भी गायब था। एलेक्स डिसाइड करता है कि वो एक ऐसी कहानी लिखेगा ताकि बातों बातों में ही नताशा उसे उस बदबू मिटाने वाली दवा का नाम बता दे। उस रात एलेक्स अपनी कहानी पढ़ता है, लेकिन नताशा को उसका खुशी भरा चेहरा देखकर उसके ऊपर शक हो रहा था। एलेक्स की कहानी में उसी बेहोशी की दवा का जिक्र होता है, लेकिन वो जानबूझकर उस दवा के अंदर मिली हुई बदबू मिटाने वाली दवा का नाम गलत बताता है। नताशा को उसकी कहानियों में कमियां निकालने में मजा आता था। नताशा उसे कहती है
कि बदबू को छुपाने के लिए बाइंडविट का नहीं बल्कि सीनर रूट का इस्तेमाल किया जाता है और इस तरह उन्हें बेहोशी की दवा बनाने के लिए सभी चीजों का पता चल जाता है। वो दोनों उस दवाई को बना लेते हैं, लेकिन जब वो नताशा के जूस में उसे मिलाते हैं तो जूस का कलर ग्रीन हो जाता है, जो नताशा बिल्कुल नहीं पीती और इसके लिए उन्हें सजा भी देती। लेनोर भी वहां पर उन दोनों को देख रही थी। एलेक्स नताशा के सामने आता है और उसे कहानी सुनाता है, लेकिन नताशा को उसके ऊपर शक हो रहा था और वो देखती है कि एलेक्स ने एक भी कहानी नहीं लिखी है। नताशा को उसके ऊपर बहुत गुस्सा आता है। वो उन दोनों को पनिश करने वाली थी, लेकिन तभी वो बेहोश हो जाती है। एलेक्स को पता चलता है कि लेनोर ने नताशा की परफ्यूम में बची हुई दवा मिला दी थी। एलेक्स लेनोर को अपने बैग में रख लेता है और वो दोनों नताशा की चाबी लेकर वहां से बाहर निकल जाते हैं। बाहर के दरवाजे से वो एक जंगल में आ जाते हैं जहां पर उन्हें रोशनी दिखती है। एलेक्स को लगा कि शायद वहां पर लोग हैं, लेकिन यास्मीन नोटिस करती है कि ये सभी पेड़ नकली हैं। इसका मतलब ये था कि वो अभी तक नताशा के जादू में कैद थे। एक डरावना लाल आंखों वाला यूनिकॉर्न उन दोनों का पीछा करता है। वो दोनों भागते भागते एक चॉकलेट से बने हुए घर के पास आ जाते हैं, जिसके बाद वो यूनिकॉर्न उन्हें छोड़ देता है। वो चॉकलेट का घर उन्हें अट्रैक्ट कर रहा था। वो दोनों उसके अंदर आते हैं। यास्मीन वहां पर स्वीट्स खाने लगती है और अब वो दोनों जादू के कंट्रोल में थे। कुछ देर बाद वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। जब एलेक्स को होश आता है तो यास्मीन वहां पर नहीं थी। एलेक्स उस घर के बेसमेंट में आता है जहां नताशा ने यास्मीन को पकड़ लिया था। एलेक्स वहां देखता है कि एक बड़े बॉक्स के अंदर कोई सो रहा था। नताशा उसे बताती है कि असली डायन तो ये है। वो उन्हें बताती है कि जब वो छोटी थी तो डायन ने उसे भी पकड़ लिया था और उसके जैसे और भी बच्चे थे। डायन उसे घर का सारा काम करवाती थी। वो डायन धीरे धीरे करके सभी बच्चों को खा गई, बस मुझे छोड़कर, क्योंकि नताशा ने उसका भरोसा जीत लिया था। लेकिन वो भी वहां से भागने का तरीका ढूंढती थी। वो ऐसा कर भी लेती है, लेकिन जब वो घर आती है तो वहां पर उसका कोई नहीं था। सभी उसे भूल चुके थे। नताशा को बहुत दुख होता है। वो चुड़ैल के पास दोबारा आ जाती है और उसे कैद कर उसकी जगह ले लेती है। एलेक्स को रियलाइज होता है कि जिस लड़की के नोट्स पढ़कर उन्होंने बेहोशी की दवा बनाई थी, वो नोट्स नताशा ने ही लिखे थे। लेकिन तभी पूरा घर हिलने लगता है। नताशा एलेक्स से एक नई कहानी सुनाने के लिए कहती है, क्योंकि यही उस डैन की वीकनेस थी। इस बार एलेक्स अपनी कहानी सुनाता है। उसका एक दोस्त था जिसे वो अपनी डरावनी कहानियां सुनाया करता था। एलेक्स के जन्मदिन के दिन उसने पूरे घर को अपने हाथों से सजाया था, लेकिन कोई भी उसके बर्थडे पर नहीं आया, यहां तक कि उसका दोस्त भी नहीं। इन सब का कारण एलेक्स अपनी डरावनी कहानियां लिखने की आदत को समझता था, इसलिए वो उन्हें जलाने जाता है, लेकिन एक चुड़ैल उसे पकड़ लेती है। एलेक्स की कहानी सुनकर वो चुड़ैल शांत हो जाती है, लेकिन एलेक्स सोचता है कि अगर नताशा जीत गई तो उसे जिंदगी भर कहानी सुनानी पड़ेगी और वो दोबारा कभी अपने पेरेंट्स से नहीं मिल पाएगा। इसलिए वो कहानी की एंडिंग को चेंज कर देता है। वो बताता है कि अच्छा हुआ कि नताशा ने उसे किडनैप कर लिया, क्योंकि उसकी वजह से अब उसे यास्मीन और लेनोर जैसे अच्छे दोस्त मिले और अब वो बहुत खुश है। चुड़ैल को हैप्पी एंडिंग बिल्कुल पसंद नहीं थी, इसलिए वो जाग जाती है। नताशा के साथ उसकी लड़ाई होती है, जिसमें वो नताशा को बड़ी ही आसानी से हरा देती है। एलेक्स और यास्मीन वहां से भाग जाते हैं। वो दोनों एग्जिट डोर पर आते हैं और यास्मीन नताशा के मैजिकल परफ्यूम की मदद से उस डोर को ओपन कर देती है, लेकिन उस चुड़ैल ने अभी तक उनका पीछा नहीं छोड़ा था। वो यास्मीन को पकड़ लेती है और उसे मारने वाली थी, लेकिन तभी एलेक्स चुड़ैल को एक नई कहानी सुनाता है और उस कहानी में इतना सस्पेंस बनाता है कि चुड़ैल उसकी कहानी को सुनना चाहती थी। लेकिन कहानी के अंत को बताते बताते वो नोटबुक को फर्नेस में फेंक देता है। कहानी के लालच में वो चुड़ैल भी उसके अंदर कूद जाती है। वो दोनों उस फर्नेस को बंद कर देते हैं और चुड़ैल अंदर ही जलकर मारी जाती है, और अब वो दोनों जादू से आज़ाद हो गए थे। एलेक्स अपने पेरेंट्स के पास आता है और उन्हें गले लगा लेता है। कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि यास्मीन भी अपने पेरेंट्स के पास चली जाती है और एलेक्स लेनोर को अपने पास रख लेता है और अपनी नॉर्मल लाइफ जीने लगता है। यास्मीन और एलेक्स बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं। इस मूवी की लास्ट में हम देखते हैं कि नताशा ने जिन बच्चों को पुतला बना दिया था उनमें से एक फिर से ठीक होने लगती है, और नताशा अभी भी जिंदा थी और अब वो नए बच्चों का शिकार करेगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसी और कहानियों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।